सो गाइज, ये है आईपैड मिनी 5। इसका हम गेम टेस्ट करेंगे कि ये एक साल के बाद किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। जो कि चलो शुरू करते हैं कि चलो हम पबजी से शुरू करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला जो गेम है। हम पबजी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो गाइज, हम गेम तो ऑन होने को जितना टाइम लगता है वो तो डिपेंड करता है नेटवर्क पर। मेरा नेटवर्क यहाँ थोड़ा स्लो है। सो गेम ऑन होते ही कुछ इस तरह से इसका ये है। सो गाइज, हम गेम में जा कर के चेयर पार्क में ज़रा चेक करते हैं कि इसकी ग्राफिक्स कैसी है, इसकी सेंसिटिविटी कैसी है और ये गायरो पे किस तरह से काम करता है। सो ये आ गए हम चेयर पार्क में। तो गाइज, हम कुछ गन्स वगैरह उठा लेते हैं और इसके अटैचमेंट्स वगैरह, और फिर हम इसे परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि ये लैग होता है या नहीं होता है, और इसके जो ग्राफिक्स है वो अलग अलग ग्राफिक्स पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो गाइज, इसका हम पूरा एक्सट्रीम से लेकर के स्मूथ एंड तक का पूरा ग्राफिक टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ग्राफिक्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी कंजम्पशन कैसी है। सो आप देख सकते हैं मैं अभी अलग अलग सो गाइज, मैं अभी अलग अलग ग्राफिक्स पे इसका परफॉर्मेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अलग अलग ग्राफिक्स इस पे चेंज करते रहूँगा और इसके परफॉर्मेंस बताऊँगा कि गेम की स्मूथनेस कैसी है और डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, डिवाइस लैग होता है या नहीं होता है, हम चेक करते हैं। सो गाइज, मैंने इस डिवाइस को टोटल एक साल यूज़ करने के बाद से मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और आप रिव्यू देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये अभी भी वर्क कर रहा है। बाकी अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन पे एक साल तक अगर पबजी खेले तो वो डिवाइस का क्या हाल होगा हम खुद जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो हीट इशू आती है, और इसमें भी हीट होता है बट इतना हीट नहीं होता, नॉर्मल हीट होती है डिवाइस की। गाइज, अगर डिवाइस की बैटरी की बात करें तो मैं कंटिन्यू अगर पबजी इस पर 3 से 3.5 घंटे खेलूं तो मेरा फिर भी 20% तक बैटरी बच जाती है इसमें। सो गाइज, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छी है, और जो आईपैड की बाकी चीज़ तो आप जानते ही हैं कि इसके फीचर्स वगैरह क्या है। ऑब्वियसली ये इसके रैम इतने ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ये एंड्रॉयड के हाई एंड फ़ोन्स जो है उससे ज़्यादा इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। सो गाइज, ये जो आईपैड है ये विदाउट सिम वाला आईपैड है, क्योंकि सिम वाला आईपैड लेना कुछ वर्थ नहीं होता, क्योंकि सिम वाले आईपैड में ऑब्वियसली हम कॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं, बस ओनली वी कैन यूज़ द इंटरनेट, बस हम उसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं सिम के लिए, जो कि कोई यूज़ का भी नहीं है। सो उससे अच्छा है कि हम विदाउट सिम वाला आईपैड लें, और फेस टाइम का भी हमें कोई काम नहीं आता सो विदाउट फेस टाइम वाला लें, जिससे प्राइस और रिड्यूस हो जाती है बट डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो तब भी उसी तरह सेम होता है। तो गाइज, ये जो इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा और कंपैटिबल डिज़ाइन है, जो इजीली कार्गो वगैरह के पैंट में, जो कार्गो है, कार्गो पैंट्स वगैरह जो होते हैं उसके पॉकेट में इजीली फिट हो जाता है, और हैंड में भी कैरी करने में, हैंड कैरी में भी बहुत ही ईजी होता है, एक हाथ में इजीली हम इसे कैरी कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया है ताकि ऑब्वियसली ये प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि एप्पल डिवाइस अगर एक बार इसका डिस्प्ले ख़राब हुआ तो ऑब्वियसली इसके जो खर्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो उससे बेटर है कि आप इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा लें। टेम्पर्ड ग्लास लगाने से इसके टच के परफॉर्मेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं आता, विदाउट टेम्पर्ड ग्लास के काम करता है, उसी तरह टेम्पर्ड ग्लास पर भी काम करता है। बस ये है कि हमें टेम्पर्ड ग्लास जो है वो अच्छी क्वालिटी के लगाने, लो क्वालिटी के नहीं लगाने। सो गाइज, ये था गेम का रिव्यू। अब हम इसके कैमरे का रिव्यू करेंगे। सो गाइज, कैमरा जो है वो ऑब्वियसली ये फ़ोन नहीं, एक आईपैड है, सो कैमरा उतना अप टू द मार्क नहीं है, कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं हम, बट कैमरा फिर भी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए ठीक है। सो ये कुछ कैमरे की फ्रंट और बैक कैमरे की क्वालिटी मैं आपको चेक करवाता हूँ। सो ये कुछ क्वालिटी है, और ये मैंने जो पिक्चर क्लिक की है वो है। सो
तो गाइज़ मैंने इस डिवाइस को टोटल एक साल यूज़ करने के बाद से मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और आप रिव्यू देख सकते हैं कि कितना स्मूथ। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि क्या नहीं अच्छा लगा। थैंक यू।